हालचाल। आज मैं आपको इस वाले हिंदी सॉन्ग के साथ वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। ये ओल्ड सॉन्ग है हिंदी का, आप किस तरीके से अपने फोटो को लगाकर ऐसा वीडियो एडिट करेंगे आपका भाई कंप्लीट आपको सिखाने वाला है। प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दो दिन से वीडियो नहीं आ रही, इसका मेन कारण है मेरे घर पर काम चल रहा है, मतलब मकान का, तो यार बहुत ही ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है अलाइड मोशन एप्लीकेशन को, और जो प्रोजेक्ट है उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंपोर्ट कर लेना। XML प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो जाइए टेलीग्राम पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पिक लेना, ये दोनों प्रोजेक्ट आपको मैं दे दूंगा, सेग इफेक्ट का, बीट का, आप दोनों को इंपोर्ट कीजिएगा। ओपन करेंगे आप बीट के प्रोजेक्ट को, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसका किस तरीके से आपको यूज़ करना है आपका भाई स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी फ़ोटो हम यूज करने वाले हैं, इस रेड लेयर तक, यहाँ तक 9 सेकंड तक, इन सभी फ़ोटो की जो साइज़ है आपको 9x16 के अंदर रखनी है। इसके लिए आप आगे आएंगे, यहाँ पर आपको बीच में प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 9x16 सही साइज लेनी है, उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप 9x16 साइज में रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक्ट्रेस के फ़ोटो को डाउनलोड करके तो वो वाले ले लेता हूँ जो मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोटो को लेना है, उसके बाद आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया करना है। साइड में आपको टैप करना है, ऊपर आपको सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करंट फ्रेम एस PNG को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। तो कम से कम इस तरीके से आपको 8-9 फोटो को सेव कर लेना है। ओके, 8-9 फोटो को सेव करने के बाद आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे बीट के ब्राउज़र को, और यहाँ पर सबसे पहले जो क्या करना है, बाहर आना है। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के ब्राउज़र को। यहाँ पर आपको ये वाला फ़ोटो मिल जाएगा, कहाँ पर है वो, नीचे है ये वाला, सॉरी आपको ये फ़ोटो मिलेगा ऊपर, ये बंद है, इसको आप ऑन करेंगे। इस वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है, बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे बीट के ब्राउज़र को। इस वाली बीट पर आप आएंगे फर्स्ट वाली पर, प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, आपको उस वाले फ़ोटो को ऐड करना है जिसको हमने सेव किया था। आपको यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करके अलाइट मोशन के फोल्डर में जाना है, उस वाले फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है जो अभी हमने किया था। इसको आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, इतना ही रखना है और नेक्स्ट पेज पे जाकर ज़्यादा फ़ोटो हटा देंगे। यहाँ पर आपको इफेक्ट पर क्लिक करके जो इफेक्ट आपने कॉपी की थी आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो इस तरीके से वो पेस्ट हो जाएगा। इसकी साइज़ को आपको कम करना होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, मोर एंड ट्रांसफर क्लिक करना, इसको आप इस तरीके से कम कर लेंगे और इतना ही इसको रखना है, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से ये फ़ोटो सेट हो जाएगा। इस तरीके से सेट होने के बाद अब आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो इस पर आपको क्लिक करके बीच में क्लिक करना है, आपको कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना है। अब आप इस वाले बीट पे आएंगे, अगले वाले बीट पे बीच में क्लिक करना है, आपको पेस्ट लेयर कर देना है। वापस इस वाले बीट पे आएंगे, बीच में क्लिक करना है, पेस्ट लेयर करेंगे। इसी तरीके से 9 सेकंड तक जितने भी हमारे दोनों रेड लेयर नीचे आने वाली वहाँ तक आप इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देंगे। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप पेस्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ तक इसको पेस्ट कर दिया है, बाकी जो हम फ़ोटो सेव करने वाले हैं सिर्फ हमको उनको यहाँ पर चेंज करना होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला तो वही रखेंगे मैं, और सेकंड वाले लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फील पे क्लिक करना है, स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको फ़ोटो को ऑलरेडी उसी साइज़ में रख लेना है जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने ऑलरेडी रख रखा है। आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है, आपको प्लस पर क्लिक कर देना, तो आपका फ़ोटो देखिए ये अलग है, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आप सभी में फ़ोटो चेंज कर लेंगे यहाँ तक। ओके, अब आपको ये जो रेड लेयर मिलने वाली है बंद है, देखिए इसको आप ऑन करेंगे, इसको दबा कर रखेंगे, इन सभी फ़ोटो के ऊपर ले लेंगे, तो इस तरीके से इफेक्ट है यहाँ पर आपकी कंप्लीट आ जाएगी। अब हमारी जो यहाँ पर एक रेड लेयर है नीचे, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फील के पे क्लिक करना है, स्टार पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी एक अच्छा सा फ़ोटो लेके प्लस पर क्लिक कर देंगे उसी साइज़ का, तो आप वो फ़ोटो पीछे ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। आपको आगे आके ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के ब्राउज़र को। यहाँ पर आपको ये इफेक्ट मिल जाएगी, ये चारों लेयर को आपको सेलेक्ट करके कॉपी करना होगा, दबा कर रखेंगे 1, 2, 3, 4, बीच में क्लिक करना है, कॉपी 4 लेयर पर क्लिक करना, ऊपर से आप आगे आएंगे, यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे बीट के ब्राउज़र को। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे इस वाली बीट पर 9 सेकंड पर, बीच में क्लिक करना है, पेस्ट 4 लेयर पर आपको क्लिक करना,
तो चारों लेयर आपकी इस तरीके से पेस्ट हो जाएगी, इनके अंदर सिर्फ फ़ोटो चेंज करना रहेगा, तो हम अभी कर लेंगे। ओके, अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से लेकर लास्ट तक आपको फ़ोटो ऐड करना होगा, तो आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, फिर लाइन पर क्लिक करना है, फिल कंपोज को ऐड करने के बाद वापस प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना, तो आपको दूसरे वाले फ़ोटो पर जस्ट इसी तरीके से सभी फ़ोटो को आपको ऐड करना होगा। फ़ोटो अब कोई भी साइज़ का होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके आप इसे फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, अगले बार बीट पर जाकर ज़्यादा फोटो को डालेंगे, फोटो पर क्लिक करके आ गया जाना है, वापस प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, क्लाइन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, अगले बार बीट पर जाकर ज़्यादा फोटो को डालेंगे। इसी तरीके से आपको लास्ट तक सभी फ़ोटो को कम्प्लीट ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं सभी फ़ोटो को कम्प्लीट ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंप्लीट सभी फ़ोटो को ऐड कर दिया है। सभी फ़ोटो कंप्लीट ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो इफ़ेक्ट है सबसे पहले हम इनमें फ़ोटो चेंज करेंगे, तो इसमें भी आपको वही यहाँ पर जो हमने यूज किया उसी साइज़ का फ़ोटो चलेगा, 9x16 साइज़ का। सबसे पहले नीचे वाले बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करें, स्टार पर क्लिक करें, ऊपर आपको वही फ़ोटो लेना है, आप अलग भी ले सकते हैं बट साइज़ वही होनी चाहिए। आपको प्लस पर क्लिक कर देना है, फ़ोटो ऐड हो जाएगा। अब आपको इन तीनों इमेज लेयर पे अलग अलग फ़ोटो ऐड करना होगा, तो आपको क्लिक करना है इमेज पर, कलर एंड फिल पे क्लिक, स्टार पे आपको क्लिक करना है, फोटो लेंगे और प्लस पे क्लिक कर देंगे, दूसरे लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार पे क्लिक करना है, उसी तरीके से आपको दूसरा फ़ोटो ले लेंगे, साइज वही होनी चाहिए, और उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से तीनों में आप फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब आपको एक फ़ोटो और ऐड करना होगा, वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने तीनों में फ़ोटो चेंज कर लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर आएंगे इस वाली बीट पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, 10x19 पे आना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, फ़ोटो को लेना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, इस वाले बीट पर आकर ज़्यादा फ़ोटो उठा देंगे। ओके, इस वाले फ़ोटो पर इफेक्ट डालने के लिए आपको आगे आना है, ओपन करना है सेक इफेक्ट के ब्राउज़र को। यहाँ पर जो ये नीचे फ़ोटो है ना, ऊपर वाले फ़ोटो मैं बंद करता हूँ, नीचे ये फ़ोटो है ये वाला, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से इफेक्ट कॉपी कर लेना है, बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे बीट के ब्राउज़र को, जो हमने फ़ोटो ऐड किया ना ये वाला, इस वाले फ़ोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने है। अब यहाँ से लेकर लास्ट तक जो फ़ोटो है इन पर आपको इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको आगे आके ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के ब्राउज़र को। यहाँ पर आपको ये वाला फ़ोटो मिलेगा, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, बाहर आएंगे, ओपन करेंगे बीट के ब्राउज़र को। अब आपको क्या करना है, सिंपल से इस वाले बीट पे आपको आ जाना है 12 सेकंड पर, फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, आपको पेस्ट करना है, सेकंड फ़ोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से लेकर लास्ट तक जितने भी फ़ोटो है ना, इन टोटल फ़ोटो पर आपको यही वाली जो इफेक्ट है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देने, यहाँ से लास्ट तक जितने फ़ोटो आने वाले टोटल फ़ोटो पर डाल देंगे, आपका पूरा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट बन जाएगा। इसे आप गैलरी में एक्सपोर्ट करेंगे, इसके लिए ऊपर आपको सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे